तुझ जैसी गिरी हुई लड़की हमने आज तक नहीं देखी है प्रिया। अरे तुझसे बेहतर तो चोर उचक्के होते हैं, कम से कम दुनिया को लूटते हैं। अगर तू तू अपने ही घर को लूट रही है, अपने पापा को अपनी नानी को बेवकूफ बना रही है तू। तू क्या कर रही है, तू पागल हो गई है क्या? यहाँ सारी पुलिस खड़ी है, अभी बुलाती हूँ। बुला ही ले, बेहतर होगा, क्योंकि आज ना वो हमारा हाथ रोक ले तो रोक ले, मगर हम तो आज नहीं रुकने वाले। पुलिस हेल्प! तूने हमारे साथ बहुत गलत किया है प्रिया, तूने बाबा के घर में झूठी कमाई दी, तूने हमें फंसाया। पागल हो गई है, अब तुझे नहीं छोड़ेंगे। झूठ चाहे कितना भी तेजी से भाग क्यों ना ले, मगर सच के कंचों पर फिसल नहीं जाता है प्रिया। हमें तो ये सोचकर तरस आता है कि जब तेरे जमे के बारे में सबको पता चलेगा तब तेरा क्या होगा। तेरा ये ड्रामा ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाएगा प्रिया, याद रखना हमारी बात। अपनी माता रानी से प्रे करना कि तू कभी जेल से बाहर ना आए, क्योंकि तू जेल से बाहर आई तो मैं तेरी लाइफ खराब कर दूंगी, याद रखना ये बात इडियट। अर्जुन होते तो हमारे साथ गलत पे ही होने देते, आप कहाँ हो अर्जुन? रानी धीरज धरो, हमको विश्वास है अर्जुन सब ठीक कर देगा। मॉम प्लीज रोइए मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा, भाभी को कुछ भी नहीं होगा। मॉम अर्जुन बिटवा, ये सब क्या हो रहा है? शुक्र है कि तू आ गया। दादी क्या हो गया, आप इतनी परेशान क्यों? अनर्थ हो गया है बेटा, अनर्थ। क्या क्या हुआ? अनु तेरी ये हालत किसने की? मिश्री ने। मैं बाबा से मिलने पुलिस स्टेशन गई थी, मैंने इसे वहां रवि के साथ देखा, इसने मुझे मारने की धमकी दी नानी, मैं बहुत घबरा गई थी, सोचा आप सबको आके सब कुछ बता देती हूँ, तो इसने रास्ते में मेरा एक्सीडेंट करने की भी कोशिश की। इस लड़की ने हमारे नातिन की जान लेने की कोशिश की है, गिरफ्तार कर लीजिए इसे। अरे क्या कर रहे हो आप? अरे लेकिन मिश्री के खिलाफ कंप्लेन किसने की बड़ी थी? हमने। क्या मैं पूछ सकता हूं उसका क्या कसूर था? कसूर ये रहा, कसूर अनु। उस मिश्री ने हमसे हमारी अनु को छीनने की कोशिश की है अर्जुन, अनु की जान लेने की कोशिश की है उसने। व्हाट दादी, जो लड़की हॉल के जमीन पे सोती है आपकी खुशियों के लिए, जो आपके सारे तानों को आशीर्वाद मानती है, जो अंगारों पे चलने को रेडी है, वो ऐसा कैसे कर सकती है? वो ऐसा कर चुकी है और सबूत तुम्हारे सामने है। यमिश्री ने तुम्हारा ये हाल किया है? बोलो। हाँ मिश्री ने ही मेरा एक्सीडेंट करने की कोशिश की। मिल गया जवाब, खामखा बेचारी को डांट रहा है। ये सब कब हुआ, कितने बजे हुआ ये सब, बोलो। 1 घंटे पहले अनु ने रवि और मिश्री को पुलिस स्टेशन में देखा था। लेकिन ये पुलिस स्टेशन में क्या कर रही थी? मैं तो बस अनाथ आश्रम के उस स्वामी से मिलने गई थी। स्वामी से मिलने ये नहीं, मिश्री गई थी दादी, मैंने उसे खुद ड्रॉप किया है। आपको हो क्या गया दादी? कभी अग्नि परीक्षा लेकर मेरे पाँव पे जख्म दे दी और कभी मेरी बीवी पे झूठे इल्जाम लगा के मेरे दिल पे, आप क्यों कर रही है ये सब? क्या काम भला करे
वो लड़की के चक्कर में तू अम्मा को ताने दे रहा है? रहने दे यशोदा, हमने इसे प्यार दिया, संस्कार दिए, उसके बदले में ये हमें कुछ तो देगा ही ना। उस मिश्री ने आज अनु की जान लेने की कोशिश की है, कल को वो हमारे साथ ऐसा कुछ कर सकती है, शायद वो कामयाब भी हो जाए। अभी शायद तुझे उसकी सच्चाई समझ में आएगी। नहीं समझ आएगा और ना ही इसे दिखेगा माँ। और कुछ कहना इसे भैंस के आगे बीन बजाने जैसा है। झूठी पट्टी जो बांध रखी है उस लड़की के नाम की इसने अपनी आंखों पे। तुम्हें मैं झूठी लगती हूँ, मेरी चोट ये भी झूठी लग रही है। मुझे वो सब नहीं पता, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मिश्री सच्ची है। अरे अर्जुन बिटुआ, वो लड़की एक नंबर की चंट है, चंट। हम सबका फायदा उठा रही है, दिख नहीं रहा तुमको? फायदा नहीं बुआ, जब से वो इस घर में आई है सिर्फ और सिर्फ नुकसान हुआ है उसका। मैं इतने दिन से आप सबको कह रहा हूँ कि मैं मिश्री से प्यार करता हूँ, वो मेरी जिंदगी है, पर बोल बोल के अब मैं भी थक गया हूँ, क्योंकि आपको मेरी बात सुननी नहीं है, तो इसीलिए आज मैं बोलूंगा नहीं। अगर तस्वीर जलाने से रिश्ते खत्म हो जाते हैं तो आज एक तस्वीर मैं भी जलाऊंगा। आज क्या कर रहे तू? पेशेंस खत्म हो रहा है दादी, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी बहू के साथ साथ अब अपने बड़े पोते को भी खो दें। क्योंकि अगर इस घर ने मिश्री को नहीं अपनाया तो अर्जुन भी इस घर को पराया कर देगा। अब आप इसे मेरी रिक्वेस्ट समझिए या धमकी, आपकी मर्जी। अर्जुन, धमकी नहीं तो धमाका है, धमाका। पूर्णे संभल जा, कहीं ऐसा ना हो कि ये आग तेरे पूरे परिवार को फूंक दे। ये आग उस लड़की की वजह से लगी है जीजी, और हम उसे छोड़ेंगे नहीं। कुछ भी नहीं किया है सर, सर प्लीज सर। ले चलो। हम कह रहे हैं ना, हमें फंसाया गया है सर, हमने कुछ भी नहीं किया सर, हमने कुछ नहीं किया। ले चलो। हमने कुछ नहीं किया सर, आप लोग हमारी बात क्यों नहीं समझ रहे? हमें फंसाया गया, हमने कुछ नहीं किया, हम बेकसूर हैं सर, प्लीज। श्री, हमने कुछ नहीं किया सर, हमारा यकीन कीजिए, हमने कुछ नहीं किया, हमें फंसाया गया है सर। देख रही हो ना मम्मी, हमारे साथ कितना गलत हो रहा है। कुछ तो करो मम्मी। किसी को तो हमारी मदद के लिए भेज दो। मत रखना मिशु, मैं आ रहा हूँ। इश्क में तेरे फूलों से खिलने, मोहब्बत के रास्ते तेरे संग चलने, जमाने की सारी रस
कसमों को तोड़े मैं दुनिया में आई पिया तो से मिलने। हाँ बोलो। इंस्पेक्टर एक आदमी ने मुझे बहुत मारा। इंस्पेक्टर बहुत मारा। क्या नाम है उसका? इंस्पेक्टर उसका नाम है संजय त्रिपाठी। क्या? मैंने तुम्हें कब मारा? सर आपने मुझे कितना मारा यही है सर। मैं आपके पांव पड़ा था, कितना आपके रिक्वेस्ट किया मत मारिए मत मारिए। पर आप बकवास कर रहे हो बाबा। कोई सबूत है कि मैंने तुम्हारी हाल किया है? मेरी हालत देखिए, मेरी गवाही क्या, ये सबूत काफी नहीं है सर। वो भी पट्टी बांधकर किसी पर भी इल्जाम लगाने लगे, इसका ये मतलब नहीं सच बोल रहा है। कोई सबूत है तो आप कुछ बोले जा रहे हो। मैं तो सिर्फ बोल रहा हूं, आपने तो मेरी बीवी को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। अर्जुन अवस्थी सर आप जानते हैं ना, अगर आपके अगेंस्ट कंप्लेन की तो डायरेक्टली सस्पेंड किए जाओगे। वो अन्नपूर्णा जी ने कंप्लेन किया था इसीलिए। इसीलिए बिना कोई सबूत या इन्वेस्टिगेशन आपने मिश्री को गिरफ्तार कर लिया। सर आपका और हमारा काम है कानून की हिफाजत करना, किसी की सहूलियत पर कानून बदलना नहीं। आई एम सॉरी सर। माफी मत मांगिए, अपना काम ठीक से कीजिए। आपने हमें इस दुनिया में लाकर अकेला कर दिया, पर क्या अकेला छोड़ना भी जरूरी था मम्मी? तो किस्मत ना हुई, बिजली की तार हो गई है, हर सेकंड पे शॉक। तो कौन से डॉक्टर ने कहा है कि बिजली का तार पकड़ के खड़ी रहो? लेट इट गो ना। अर्जुन, 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 हमने कुछ भी नहीं किया। अर्जुन हम सच कह रहे हैं। दादी माँ बुआ पर यकीन करने को तैयार ही नहीं है। तो तुम्हें इतना फर्क क्यों पड़ता है? क्या मतलब? तुम खुद पे यकीन करो, that should be enough। दादी बुआ इन्हें जो सोचना है सोचने दो। इतना आसान नहीं है अर्जुन। क्यों मिश्री? क्योंकि वो आपका परिवार है। Exactly, मेरा परिवार है। उनकी नाराजगी उनका गुस्सा मुझे हैंडल करने दो। तुम क्यों उन्हें खुश करने की कोशिश करती रहती हो? इस नकली शादी के लिए इतना असली एफर्ट क्यों लगा रही हो? क्योंकि वो हमसे बड़े और हम उन्हें इस तरह दुखी नहीं देख सकते। अर्जुन बड़े हैं तो तुम पे चल के निकल जाएंगे, वो तुम्हें डोरमैट की तरह ट्रीट करते रहेंगे और तुम कभी जवाब नहीं दोगी। जो भी हुआ उसमें उनकी गलती नहीं थी, प्रिया की थी और हमने उसे जवाब भी दिया। Are you serious? थोड़ा ज्यादा हो गया ना, अब ऐसा नहीं करना चाहिए था। करेक्ट, एक और थप्पड़ लगाना चाहिए था। लाइफ में पहली बार कुछ अच्छा काम किया है वो भी डर डर के बता रहे हो। मिश्री इस दुनिया का एक रूल है, जो तुम्हारे साथ गलत करे तुम भी उसके साथ गलत करो। हम दुनिया के उसूल नहीं, अपने उसूल को फॉलो करते। तो तुम्हारे उसूल तुम्हें ये बताते हैं कि कोई तुम्हारे साथ कुछ भी करे और तुम सर झुका के खड़ी रहो। अगर कोई हमसे बड़ा हो और उनके गुस्से की वजह उनका किसी के लिए प्यार किसी के लिए फिक्र हो तो झुकना मिश्री मायने करती है। और वैसे भी अकड़ू अवस्थी तो आप हैं, हम फ्लेक्सिबल हैं। लगता है हम एक दूसरे से बहुत अलग हैं। हम एक दूसरे से अलग हो सकते हैं, गलत नहीं है। पियानो से मिलने।
सर जमानत के पेपर रेडी हैं, इन पेपरों पर साइन कर दीजिए। नहीं, मिश्री की जमानत नहीं होगी। अर्जुन, अरे अर्जुन बेटा, मिश्री कहाँ है? हाँ हाँ भाई, भाभी किधर है? कहाँ रह गए वो? बिटवा, भैया की जमानत तो कराए हो ना? नहीं बड़ी दादी। नहीं, पर क्यों? शाबाश अर्जुन, बहुत दिनों बाद आज तूने सही काम किया है। बिटवा, बहुरिया को हवालात में अकेले छोड़ना सही नहीं है। हर चीज का अपनी जगह पर होना ही सही होता है जीजी। उस मक्कार धोखेबाज और खतरनाक लड़की की सही जगह सिर्फ जेल के अंदर ही है। हमें पता था कि आज नहीं तो कल हमारी परवरिश का रंग उस लड़की के सिंदूर के रंग से गाढ़ा जरूर होगा। देखा अर्जुन, तुमने एक बार मेरी बात पर विश्वास किया और एक सेकंड में सब कुछ ठीक हो गया। हाँ, मुझे हाथ पे चोट जरूर है, लेकिन तुम्हें मिश्री का सच समझ आ गया। और अब तुम्हारा सच जानना है। की जमानत नहीं, उसकी बेगुनाही साबित होगी। श्री, अगर मैंने तुम्हें अभी छुड़वा भी लिया तो दादी अनु तुम्हारे ऊपर कोई ना कोई केस करके जरूर तुम्हें अंदर करवा देंगे। लेकिन अनु का सच क्या है, उसका प्लान क्या है, वो ये सब क्यों कर रही है, ये सब पता करके ये ड्रामा एक साथ खत्म कर देना चाहता हूं। मैं जानता हूं कि यह रास्ता टफ है, लंबा है, पर सही है। क्या तुम मेरे साथ? देखा अर्जुन, तुमने एक बार मेरी बात पर विश्वास किया और एक सेकंड में सब कुछ ठीक हो गया। हाँ, मुझे हाथ पे चोट जरूर है, लेकिन तुम्हें मिश्री का सच समझ आ गया। और अब तुम्हारा सच जानना है। अर्जुन, तुम मिश्री को करे सफल। अर्जुन रुकना, अर्जुन बहुत दिनों के बाद हमें हमारा अर्जुन नजर आया है, उसे फिर से रोकने की कोशिश ना करें। चलो, उस मिश्री से पीछा तो छूटा। कर रहे हो? काम में तो ध्यान है नहीं। Really? तो कहाँ पर है मेरा ध्यान? हम पे। आजकल खुली आंखों से सपने देखना भी शुरू कर दिया। क्यों? खुली आंखों से हमारे सपने देखने का लाइसेंस सिर्फ आप ही के पास है। ख्यालों में आके भी इतनी चटर बटर करती है। और आप रियल लाइफ में चटर बटर का च तक नहीं करते। कपड़ों के साथ साथ पर्सनैलिटी में भी कलफ लगवाते हो क्या? दो सेकेंड स्माइल कर दोगे तो इमेज खराब नहीं हो जाएगी? स्टूपिड गर्ल, क्या हुआ? अब नहीं बोलूंगी। वेरी स्टूपिड बॉय। मैं किससे बात कर रहा हूं? श्री तो जेल में, इतने दिन उसके साथ रहा हूं, इसकी इरिटेटिंग बातों की आदत सी लग गई। मैं एक्चुअली उसे मिस कर रहा हूं।
चंपू भी मुझे मिस कर रही है। इस शहर का सबसे अच्छे सैलून का नंबर है। अगर इतनी चिंता करोगी तो बाल सफेद हो जाएंगे और फिर सैलून कलर लगाने तो जाना पड़ेगा। इतना लंबा जोक खत्म होते होते किसी को हंसने के बजाय नींद आ जाए और हम जेल में हैं। चिंता ना करे तो क्या गाना गाए? प्लीज प्लीज गाना मत गाना, थोड़ा तरस खा लो पुलिस वालों पे। और मैंने तो कहा है ना कि तुम्हें जेल से जल्दी छुड़वा लूंगा, so relax. जैसे कि हम किसी 5-स्टार होटल में बैठे हो, relax. अगर इतना रिलैक्सिंग लग रहा है तो आ जाओ एक दिन बैठो अंदर। क्यों? मिस कर रही हो मुझे? ओ हेलो, हम आपको याद दिला दे कि आप यहाँ हमसे मिलने आए हो तो मान जाओ कि आप बाहर से एटीट्यूड की दुकान हो पर दुकान में सामान ही नहीं, सिर्फ हमारी फिक्र है। फिक्र करने वालों के पास बहुत ज्यादा फ्री टाइम होता है। अर्जुन अवस्थी शहर का सबसे बिजीएस्ट लॉयर। अच्छा तो जाओ अपना काम करो। जा रहा हूँ पर दोबारा रोना मत शुरू कर देना, सबकी नींद खराब हो जाएगी। आप लड़े बिना बात कर ही नहीं सकते ना अर्जुन। हाय मम्मी, नाखून चबाने की आदत होती या धीरे से उठने की आदत होती तो मिश्री माइंड नहीं करती, हमें तो अक्रूर अवस्थी की आदत लग गई।